किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दिमाग को या तो आप कंट्रोल करो या फिर ये आपको कंट्रोल करेगा। सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक लड़की की कहानी सुनाता हूं जो यूरोप में एक घर में रहता था किराए से। वो अपने गांव से आकर के शहर में रह रहा था, पढ़ाई कर रहा था कॉलेज की, और जिस मकान में रहता था उसकी जो मकान मालकिन थी वो बूढ़ी अम्मा चीजें लेकर के लोगों को पैसे दिया करती थी, गिरवी रखती थी सामान को। और वो देखा करता था कि गरीब लोग आते थे, आकर के सामान गिरवी छोड़ के जाते थे और अम्मा उन्हें पैसे देती थी। लेकिन जब वो लोग वापस पैसे नहीं चुका पाते तो उनसे और लूटने लगती, उन्हें और प्रताड़ित करने लगती, वो लोग और परेशान होने लगते। वो कहते थे हमें माफ कर दो, लेकिन ये कर्जा बढ़ाती चली जाती थी। ये लड़का जब भी उस बूढ़ी अम्मा को देखता था, अपनी मकान मालकिन को देखता था, इसको बहुत गुस्सा आता था कि क्या औरत है, क्या कर रही है, गरीब लोगों के साथ में ऐसा कर रही है, माफ क्यों नहीं कर देती कर्जा। वो ये सब देख करके परेशान हो रहा होता था, रोज सोच रहा होता था कि इसका तो गला जाकर के दबा दूं। एक दिन उसके घर से पैसे आना बंद हो गए, कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रहा था, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था घर पर कि बात क्या हुई है। फिर एक दिन तार आया कि पिताजी की तबीयत खराब है, पैसे नहीं भेज पाएंगे। ये वापस घर जाना चाहता था लेकिन इसके पास में पैसे खत्म हो गए थे। मजबूरन इसे अपनी मकान मालकिन के पास जाना पड़ा, उस बूढ़ी अम्मा के पास जाना पड़ा। अब इसने सोचा कि क्या मैं उनको गिरवी रखने के लिए सामान दूं, तो इसने अपनी घड़ी दे दी। शाम का समय था, वो बूढ़ी अम्मा अपने हॉल में बैठी हुई थी, जाकर के इसने अपनी घड़ी दी और कहा कि मुझे पैसे चाहिए। वो जो बूढ़ी अम्मा थी वो गई हॉल में और जो खिड़की थी जहां से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी वहां जाकर के उस घड़ी को देखने लगी कि ये जो घड़ी है इसमें कुछ है भी कि नहीं है, कुछ कीमत है भी कि नहीं, और इसके हिसाब से पैसे दे दूंगी। ये लड़का अपनी सीट से उठा और जाकर के इसने सीधा अपने हाथों को उस बूढ़ी अम्मा के गले पर रख दिया और दबाता चला गया, बड़ी जोर से दबाता चला गया। इतना जोर से दबाया कि गला दब गया, नाक में से खून बहने लगा, वो बूढ़ी अम्मा वहीं मर गई। और जैसे ही वो खून इसकी उंगलियों पर आया ये चौंक गया, ये डर गया, इसने तुरंत उस बूढ़ी अम्मा को छोड़ा और कहने लगा मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। पुलिस इसे पकड़ के ले जा रही थी और ये कह रहा था मैंने नहीं मारा, मैं कैसे मार सकता हूं। इसने नहीं मारा, वो दो साल से जो इसके दिमाग में थॉट्स चल रहे थे ये देख रहा होता था और सोच रहा होता था कि इसका तो गला दबा दूं, उस थॉट ने बूढ़ी अम्मा को मारा। क्योंकि जैसे ही ये वहां गया इसके दिमाग ने ऑटोमेटिकली इसे इस तरीके से डायरेक्ट किया कि जाओ जाकर के गला दबा दो, और इसने गला दबा दिया क्योंकि दो साल से यही सोच रहा था कि इसका तो गला दबा दूं। उस दिन नहीं दबाना चाहता था, उस दिन तो जरूरत में था, उस दिन तो पैसे चाहिए थे, लेकिन दो साल से सोच रहा था। छोटी सी कहानी जो हमें सिखाती है कि हमारी ब्रेन बहुत कमाल की चीज है, या तो आप इसे कंट्रोल करेंगे या ये आपको कंट्रोल करेगी। कई बार जब हम घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, तो डायरेक्शंस नहीं देने होते, ये जो सुपर कंप्यूटर है इसको मालूम है कि किधर जाना है, ये अपने आप आपको ले जा करके वहां पर पहुंचा देती है। कई बार आप सोच भी नहीं रहे होते कि किस मोड़ पर मुड़ना है, लेकिन गाड़ी अपने आप घूम जाती है क्योंकि आपकी ब्रेन को सब कुछ पता है, कुछ अपने से काम करने लगती है। आप जैसा सोचते जाएंगे वैसा ये काम करने लगेगी, आपके विचार ही आपके कर्म बन जाते हैं। ये छोटी सी कहानी बस यही समझाती है। इसलिए जो आप सोच रहे हैं उसके बारे में सोचें कि आप क्या सोच रहे हैं। अच्छा सोचना शुरू कीजिए, अच्छा करना शुरू कीजिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।